हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं, मैं दोनों की बात करूं, आप और मेरे दोनों की, हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब क्षेत्र का ज्ञान है। कहीं क्षेत्र में जब हमको सिर्फ कॉमन सेंस होता है ना, तो भी हम इस प्रकार का वर्ताव रखते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, पता है, अनोइंगली, अनकॉन्शियसली। अब शांति से घर जाके इस वाक्य पे विचार करना, मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू योर सेक्शन, योर सर्कल्स। सब जानने की पृथ्वी पे जरूरत नहीं है, टेंशन बढ़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में हिलरी क्लिंटन के सामने जीता, उसका कारण ये, वो इतना आपको जानने की अब पुणे में बैठे बैठे जरूरत क्या है? तेरे को सिर्फ पुणे में बैठे बैठे इतना जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही बिकेम विक्टोरियस एंड द अपोनेंट वॉज हिलरी क्लिंटन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे और वो ये भी प्रेसिडेंट बने। उसने फिलाडेल्फिया में क्या किया, फ्लोरिडा में क्या हुआ, एलए में क्या हुआ, तू प्रैक्टिस कर ही जा। ये T20 की मैच थी, विराट कोहली खेल रहा था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरी, आउटस्विंग हो रही थी, गेंद बाहर चली ऑफ स्टंप के बाहर, वहां बॉडी से अवे खेलने के लिए विराट कोहली गए और फिर कट लेके फर्स्ट स्लिप में चली गई, खेलना ही नहीं आता उसको। वो गेंद छोड़ देनी चाहिए ना, इतनी बाहर गेंद जा रही थी, वहां टच करने क्यों गए? तो भाई साहब तुझे ज्यादा ज्ञान है तो अगली मैच में आपको भेजेंगे और क्या। What I mean to say, just by common sense in certain fields, don't poke your nose and don't express your opinions. आपको पता है जब विराट कोहली खेलते हैं तो सामने जो गेंद गिरती है वो स्पीड क्या होती है पता है? इट इज 90, 92 and 95 miles per hour की डिलीवरीज गिरती है, मतलब 145 kilometers per hour है। हम सब जो यहां बैठे हैं ना, अपने जिंदगी में क्रिकेट हम सब खेले लेकिन एक भी गेंद ये स्पीड की हमने फेस नहीं की है। 145 किलोमीटर पर आवर डेल स्टीन डालता है, शोएब अख्तर डालता है, अभी पाकिस्तान का नया बॉलर पैदा हुआ है मोहम्मद अब्बास, अभी 10 विकेट्स एक मैच में ले ली तीन दिन पहले, ही इज दैट स्पीडस्टर। अगर तेरे को विराट कोहली की जगह पे खड़ा कर दे वैंकटेश स्टेडियम में, तो 6 गेंद के बाद जब वो बॉलर चल रहा है आप अंपायर को फरियाद करेंगे कि अंपायर इनको बोलो ने एक्शन करके चला जाता है कुछ डाले। पता चला? पता चला क्या चला? दिखता ही नहीं है तुझे, गेंद दिखेगी ही नहीं। वो 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरी जब गिरती है ना, तुझे दिखेगी ही नहीं, तब अंपायर प्रेम से कहेगा कि भाई वो उसने कुछ डाला नहीं डाला, वो तो बात की बात है, तू पीछे देख, तीन में से एक भी नहीं खड़ा होगा, तीन में से एक भी स्टंप्स खड़ा नहीं होगा, और तू वहां कमेंट देने चला है, वहां कमेंट चलता है, और वो भी कौन देते? T20 पूरी होती है, उसके बाद घर से बाहर निकलकर वो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट जो पान मसाला का वो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पान यहाँ डाल के पिचकारी मार के स्वच्छ भारत को बिगाड़ते बोलता है। ठीक, विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो ये दो बात मैंने की इस मुद्दे में कि बहुत ज्यादा सब क्षेत्र में जानने की जरूरत नहीं है, और जो अपना क्षेत्र है वहां अभिप्राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी, क्योंकि यहां थोड़ी जीबी फ्री रहेगी, तो स्टेबिलिटी रहेगी। न्यूज़पेपर खोलते तो सीधा page 3 खोल देते, हॉलीवुड में क्या हुआ, बॉलीवुड में क्या हुआ, जितने भी हुड्स इस प्रकार के इस पृथ्वी पे, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, फॉलीवुड जितने भी होंगे, उसमें क्या हुआ,
वो कहानियां जानने की ज्यादा इच्छा रहती है. व्हाई डू यू नीड दैट? गो डीप इन योर प्रोफेशन. आपका जो क्षेत्र में उसमें आप गहराई तक जाए, और जो आपका नहीं है टच एंड गो. सिंपल. मैं पूरी पेज 3 की कहानी आपको एक वाक्य में कह दूं ताकि आपको फिर से खोलना ना पड़े. जब से चालू हुआ है आज तक और जब तक चालू रहेगा तब तक. कहानी यह है एक वाक्य में कि रोज सुबह दो लोग साथ में आते हैं या आएंगे, इस प्रकार की चर्चा रहती है, और शाम को पिछले दिन जो दो आए थे वो अलग हो गए. ये पूरे वुड्स की स्टोरी आ गई. आ गई ना इसमें? Why are you spoiling your mind? This is a 70-year game. You have to live it well, play it well. Yes or no? Human life is 70 or 80 years, 5-10 plus minus with the grace of God. You have to play it well. Otherwise, आप जिंदगी हार जाएंगे. तो इससे भी बहुत बड़ा तनाव आता है. तो ये एक बात समझना कि जो क्षेत्र आपका नहीं है लेकिन आपको थोड़ा रस है तो आप जान भी ले, लेकिन ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है. और जो क्षेत्र आपका नहीं है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप जानते नहीं हो, उसमें मेहरबानी करके आप अपना अभिप्राय मत देना. अगर प्रधानमंत्री जी इस वक्त यहां पधारे तो हम सबके पास उनको देने के लिए 5-5 सजेशन है. इतना हमने सोच रखा है, लेकिन हमको पता है कि उस लेवल पे काम कैसे होता है. हम यहां बैठे एक को भी अनुभव नहीं है कि हाउ द पीएमओ वर्क्स. यस और नो? कितना टेंशन रहता है, कितने बड़े हर मिनट पे स्ट्रेसफुल न्यूज आते रहते हैं. कोई वक्त बॉर्डर पे से आए, कोई वक्त इंटरनल इंटरेस्ट में से आए, कोई वक्त वहां कोई रैली ने किसी ने रैली निकाली, कोई वक्त किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया. एक एक मिनट हर 60 सेकेंड्स में ये लेवल पे डिस्ट्रेसिंग और स्ट्रेस पैदा करने वाले न्यूज आते हैं. पता है उसके बीच टेबल बैठना, बोलने की और काम करने की बात तो अलग है, सिर्फ बैठना वो भी तकलीफ वाली बात हो जाती है. इट्स नॉट अ जोक. तो वहां भी हम कमेंट कर लेते हैं, फिर स्ट्रेस आ जाता है. आप हंसी में बोल देते हैं, आपको लगता है मैंने तो ठीक बोल दिया, ठीक है, आनंद कर लिया, लेकिन दैट अनट्रूथ हैज द पावर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ. ये बहुत सूक्ष्म बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये बात हकीकत है.